ग्वालियर में कार्टो चालक की ईमानदारी की चर्चा ग्वालियर पुलिस के हर अधिकारी और कर्मचारी की जुबान पर है। इसके ऑटो में कोई सवारी अपना एक छोटा बैग छोड़कर चली गई। ऑटो चालक इसे लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंचा और उसे बैग जो है सौंप दिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो दंग रह गई। बैग में 8 तोला वजन के सोने और काफी वजन के चांदी के जेवरात थे। इनकी कीमत 5 लाख के आसपास थी। ऑटो चालक की ईमानदारी की सब जो है तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ऑटो चालक प्रमोद वर्मा 7 नवम्बर चौराहे पर ऑटो चला रहा था और जब वो ऑटो चला रहा था तो उसी दौरान एक यात्री ने उसके ऑटो में एक बैग छोड़ दिया। बैग को देखकर तुरंत वो सुबह उठकर मुरार थाना या क्षेत्र पहुंचा और पुलिस को सुपुर्द बैग कर दिया। बैग में 8 तोले सोने के जेवरात थे, जिसके बाद पुलिस ने बैग मालिक को बुलाकर बैग उनको सुपुर्द कर दिया। ऑटो चालक प्रमोद वर्मा की ईमानदारी की जमकर सराहना की जा रही है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बैग मिला था मेरे को, कहाँ पे बैग मिला था? 7 नंबर चौराहे से पहले। कहाँ पे आ रहे थे आप? मैं मुराद से आ रहा था। किसका बैग था वो? को पता नहीं किसका था। बैग में क्या क्या था? उसमें बैग में मैंने खोल के देखा था ना, उसमें सोना चांदी था और मैंने आके पुलिस को दे दिया। फिर मैं थाने गया, थाने से फिर मैंने वजन कराया, वजन करा के फिर वो पूरा करके उसके बाद मैं निकल गया था। फिर मैं बाहर गाड़ी चलाने के लिए आ गया था, फिर मेरे लिए फ़ोन किया था उनने, बोले मालिक आ गया है आप आ जाओ। मैं गया, उनको मालिक को दे दिया। ये मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पुरानी घटना है, जिसमें कि एक महिला अपने 2-व्हीलर पे जा रही थी, उसका एक बैग गिर गया था जिसमें कि 8 तोले सोने के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी, वो सड़क पे गिर गया था और ऑटो चालक जो है वहीं पे अपने ऑटो के साथ खड़ा हुआ था, बल्कि कुछ लोग उसे उठाने आए तो उसने बैग उठा के और पुलिस को सुपुर्द किया। और निश्चित तौर पे उसका जो एक कार्य था अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, उसको यहाँ मेरे कार्यालय में बुला के प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट्स के साथ उसका सम्मान किया गया।